ऐसे कठिन समय में जहां देश कोरोना से जूझ रहा है, संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, बैंक ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी खुल रहे हैं जहां बैंक कर्मी अपने जान जोखिम में डालकर बैंकों में कस्टमर को बेहतर सर्विस देने के लिए पहुंच रहे हैं। बैंकों में जहां जमा निकासी नेफ्ट आरटीजीएस के अलावा कुछ कोई भी काम नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी कस्टमर जानकारी के अभाव में बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट स्टेटमेंट, छोटे मोटे अमाउंट ट्रांसफर और पासबुक प्रिंटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, जो बैंक कर्मियों के साथ साथ कस्टमर के लिए भी सिरदर्द है। ऐसे कठिन समय में इस सारे काम वो अपने अगर उनका अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से लिंक है तो सब घर पे भी कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके पूरी जानकारी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी, जो आपको सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको 1800 180 22 23 पे मिस कॉल करना है। कुछ समय बाद ये कट जाता है, ऑटोमेटिक ही है, 9 सेकंड बाद कट जाएगा। अगर नहीं कटता है तो अभी आप 10-15 सेकंड बाद इसको काट सकते हैं। उसके बाद आपके बैलेंस के डिटेल आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका भी है बैलेंस इंक्वायरी का, आप मैसेज बॉक्स में जाके कैपिटल लेटर में BAL लिखिए, स्पेस डालिए और अपना 16 अंक का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर लिखिए। फिर इसको 92640 92640 या फिर 5607040 पर सेंड कर दीजिए। कुछ देर बाद आपका बैलेंस आ जाएगा। तीसरा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है जो सबको जानना हो चाहिए, ये है कि इसमें आप 5000 रुपया तक PNB to PNB ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज बॉक्स में जाके कैपिटल लेटर में SLFTRF लिखना है, स्पेस डालना है, फिर जिस अकाउंट से आपको पैसा डेबिट करना है उसको लिखना है, स्पेस डालना है, फिर जिस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, पीएनबी का ही अकाउंट होना चाहिए, उसको लिखना है, फिर स्पेस देना है, उसके बाद आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है उसको लिखना है, फिर इसको 92640 92640 पर सेंड कर देना है। और इसके बाद आपका आपका डिटेल आ जाएगा, किस खाते से डेबिट हुआ है, किस खाते से क्रेडिट हुआ है। लास्ट है अकाउंट स्टेटमेंट की जानकारी हेतु, अगर आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है, मैसेज बॉक्स में जाके कैपिटल लेटर में ESTMT लिखिए, स्पेस डालिए, अपने अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट लिखिए, स्पेस डालिए, मेल आईडी डालिए, फिर इसको 92640 92640 पर सेंड कर दीजिए। ये आप चाहे जितनी बार भी सेंड करेंगे कर सकते हैं। ये आपका पिछले मंथ का रिकॉर्ड आपका इसके थ्रू आ जाएगा आपके मेल बॉक्स में स्टेटमेंट के रूप में। इसको आप ओपन करेंगे, मेल बॉक्स में आ गया है, देखिए यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपका अकाउंट नंबर होगा, कंप्लीट 16 अंकों का आपका अकाउंट नंबर होगा, इसमें डाल दीजिए, ओपन हो जाएगा और आपका स्टेटमेंट खुलकर आ जाएगा। ये देखिए आपके अकाउंट का स्टेटमेंट बहुत ही खूबसूरत तरीके से